दोस्तों अगर आप लोग अपने फोटो को ओनली वन क्लिक में कुछ इस टाइप का एडिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने फोटो को ओनली वन क्लिक में बहुत ही आसान तरीके से कुछ इस टाइप का एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करना है, और गाइस जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गाइस आप लोग जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और दोस्तों फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेंसिल वाला, तो पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। एंड गाइस जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डबल एक्सप्लोरर का, तो सिंपल सा आपको इसी पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और गाइस जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी दोबारा, और यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। और गाइस यहाँ पर जो मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रहा हूँ अगर आपको वो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ, और गाइस बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस लाइन को फुल हाईलाइट कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको राइट कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पर एक एरो का निशान का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और व्यू एडिट पर क्लिक कर देना है, और फिर आपको डबल एक्स रोल पर क्लिक करके इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। और गाइस फिर आपको अपने फोटो को जूम करना है, फुल जूम कर देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने बैकग्राउंड पर अप्लाई करना है, ठीक है, सिर्फ बैकग्राउंड पर अप्लाई करना है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपका कुछ इस तरीके से मिटाते हुए कुछ इस तरीके से चला जाता है तो आप इसे कैसे ठीक करोगे? तो यार उसके लिए आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और इसे जीरो कर लेना है, और जीरो करने के बाद कुछ इस तरीके से इसे ठीक कर लेना है। और फिर आप क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे 100 करके फिर आपको कुछ इस तरीके से मिटाने लग जाना है। तो गाइस आपको बहुत ही आराम से इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है, बहुत ही प्यार से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा समय का ना हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको रिमूव कर लेना है, और फिर यहाँ से आपको राइट कर लेना है। तो गाइस आपकी फ़ोटो यहाँ पर कुछ इस टाइप की देखने के लिए मिलेगी, और फिर आपको करना क्या है, यहाँ से आपको कट कर देना है, और फिर आपको दोबारा इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स का, तो डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसको जो है डिक्रीज करके -16 कर देना है, और फिर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और इसको डिक्रीज करके +73 कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से राइट कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शेयर वाला, मतलब सेव वाला, तो इस पर आपको क्लिक करना है और शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे शेयर कर लेना है लाइटरूम वाले एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस फोटो को शेयर करने के बाद फिर आपको ऊपर से स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा लाइट रूम का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और गाइस जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सीधा आपको लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर लेकर आ जाएगा, तो जो आपने फ़ोटो शेयर किया है उस पर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस अब आपको करना क्या है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रीसेट का लिंक दे दिया है, तो उसे जा करके डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर उसे ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद फिर आपको करना क्या है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है, और फिर आपको उसी फ़ोटो को ले लेना है, और फिर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर कुछ इस टाइप की एडिट हो जाएगी। तो गाइस अब हम अपने फेस को थोड़ा सा गोरा करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कलर वाला, तो कलर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड इस टूल्स पर आपको क्लिक कर देना है। और फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है,
जो हमारे फेस को गोरा करता है। तो आपको जो है सैचुरेशन को माइनस डिक्रीज करके 26 कर देना है और लिमलेस को डिक्रीज करके प्लस 26 कर देना है, दोनों को 26-26 कर देना है। और गाइस अगर आप लोग अपने फेस को और भी गोरा करना चाहते हैं तो आप लोग इन दोनों लाइनों से ही कर सकते हैं आगे पीछे करके। और गाइस मैं इतना यहाँ पर कर लेता हूँ। और गाइस उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डन कर लेना है। तो गाइस आपकी फ़ोटो यहाँ पर कुछ इस टाइप की एडिट हो जाएगी बहुत ही कम टाइम में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने हेयर को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए हमारे हेयर कुछ इस टाइप के हैं और इन्हें मैं आपको कुछ इस टाइप के एडिट करना सिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो पर बस आपको लास्ट तक बने रहना है, गाइस बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो गाइस देखो आपको करना क्या है, इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस हमारा जो फोटो है वो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। और गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, इस टूल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर जो है आपको दो बूट्स मिलेंगे, ठीक है, दोनों में से आपको कोई से को भी ले लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ। और गाइस बूट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जितना मैंने सेटिंग करके रखा है आपको बिल्कुल इतना ही कर लेना है। और फिर आपको नीचे की साइड आ जाना है कलर वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर जो है आपको वाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से कट करना है और कुछ इस तरीके से अपने हेयर को जूम करना है और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और गाइस बहुत मतलब वीडियो को लास्ट तक देखना है गाइस, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए गाइस तो लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए।